नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, रोज खाएंगे एक आंवला तो होंगे ये चमत्कारी फायदे। सर्दी के मौसम का आगाज हो गया है। इस मौसम में फल और सब्जी खाने का अपना एक अलग ही आनंद मिलता है। कई नई तरह की चीज़ें बाजार में आती हैं जो सेहत के बेहद फायदेमंद होती हैं। उन्हीं में से एक आंवला, हम आपको बता दें कि एक आंवले में विटामिन सी की मात्रा 600 मिलीग्राम होती है। ध्यान दें कि विटामिन सी की अन्य चीज़ें जैसे नींबू या ऑरेंज में इस विटामिन की मात्रा हवा या धूप के संपर्क में आने से कम हो जाती है, लेकिन आंवला इस विटामिन का एक सोर्स है जिसमें विटामिन सी हमेशा मौजूद रहता है। यदि आप रोज़ एक आंवले का सेवन करते हैं तो आपकी सेहत में इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। एक आंवले के सेवन से सेहत में पड़ने वाले वो 10 फायदे क्या हैं, आइए जानते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, जिन व्यक्तियों को हार्ट की शिकायत होती है उन्हें आंवला रामबाण की तरह काम करता है। जी हाँ, रोज़ एक आंवले के सेवन से न सिर्फ खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है बल्कि यह हार्ट प्रॉब्लम से भी बचा के रखता है। वेट लूज, जो लोग मोटापे से परेशान हैं और मोटापा कम करने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं, उनके लिए भी आंवला किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। बस रोज़ एक आंवला खाएं, फिर देखें इसका चमत्कार। इसके सेवन न सिर्फ मेटाबॉलिज्म बढ़ता है बल्कि वजन भी बड़ी तेज़ी से कम होने लगता है। पाचन शक्ति का सटीक आहार, आपने देखा होगा कि जिन लोगों को पाचन शक्ति की शिकायत होती है वह आंवले का चूर्ण लेते हैं। हम आपको बता दें कि चूर से बेहतर कच्चा आंवला होता है। इसमें जो रस होता है वह पाचन को दुरुस्त करता है। जी हाँ, आंवले में मौजूद फाइबर डाइजेशन को ठीक रखने में मदद करते हैं। इसे खाने से कब्ज की प्रॉब्लम भी दूर होती है। शरीर में ताकत आती है। यदि आप कमजोरी महसूस करते हैं, हमेशा आलस का अनुभव करते हैं, थोड़े से काम में थक जाते हैं, तो एक माह तक लगातार एक कच्चा आंवला खाकर देखें। इससे जो फ़ायदा होगा इससे आप खुद हैरान रह जाएंगे। दरअसल आंवले में विटामिन सी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जिसके चलते एनर्जी में वृद्धि होती है और धीरे धीरे कमजोरी दूर हो जाती है। आप चुस्त दुरुस्त महसूस करने लगते हैं। चेहरे को मिलती चमक, आजकल बाजार में चेहरा चमकाने के लिए ना कितने तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। आप आंख मूंद कर इनका उपयोग करते हैं लेकिन आपको क्या पता कि ये कई चेहरा चमकाने वाली क्रीमों में भी आंवले को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्रीम में कई ऐसी तरह की चीज़ें भी मिलाई जाती हैं जिससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। इससे अच्छा है कि आप आंवले का सेवन करें। इसके सेवन से बॉडी में टॉक्सिन की समस्या दूर होती है और चेहरे में प्राकृतिक निखार आता है। आंवले के पानी को भी चेहरे में हल्के हल्के हाथों से मालिश करके लगा सकते हैं। वह क्या बात है, बालों के लिए तो आंवला एकदम स्टीक उपाय है। कई लोग ऐसे बालों में भी लगाते हैं लेकिन इसके सेवन से भी बाल हेल्दी होते हैं। बालों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं खत्म होती हैं, जैसे बालों का झड़ना, बालों का रूखापन, बालों में डैंड्रफ। इन सब समस्याओं से बस एक आंवला आपको छुटकारा दे सकता है। असल में आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स से बालों की चमक बढ़ती है और बालों से जुड़ी दूसरी तरह की प्रॉब्लम भी दूर होती है। एक आंवला नहीं देगा कैंसर। कैंसर का नाम लेते ही आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हालांकि यह रोग अब लाइलाज नहीं रहा लेकिन इसका इलाज कराना भी सबके बस की बात नहीं है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, लिहाजा ऐसे में आंवले का एक ऐसा सोर्स है जो इसे हमें बचा सकता है। यदि आप रोज़ आंवला खाते हैं तो यकीनन कैंसर से आप हमेशा बचे रहेंगे। दरअसल आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कार्सिनोजेनिक सेल्स को बनने से रोकते हैं और कैंसर से बचाने में फायदेमंद होते हैं। दर्द से रिलीफ देता है आंवला। यदि आपके शरीर में हमेशा दर्द रहता है, आपको जकड़न की शिकायत है, जॉइंट दर्द से आप परेशान हैं, तो यकीन मानिए आंवले से आपकी किसी भी तरह की दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नियमित रूप से आंवले का सेवन करें। सीजन में कच्चे आंवले का सेवन करें। ऑक्सीजन में मुरब्बा खाएं।
ऑफ सीजन में। आंवले के नियमित सेवन से दर्द नहीं होता। आंवले में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो जोड़ों के दर्द के साथ अन्य तरह के दर्द में राहत देते हैं। आंखों के लिए फ़ायदेमंद आंवला। यदि आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है या फिर दूर व पास का नज़र दोष है तो आंवले के सेवन से इसमें कुछ हद तक राहत मिल सकती है। मोतियाबिंद के लिए तो ये रामबाण है। असल में आंवले में विटामिन ए पाया जाता है जो मोतियाबिंद से बचाने में बहुत कारगर होता है। बस हर रोज़ एक आंवले का सेवन करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।